तो अभी हम आगे हैं सुमदो. बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मेरा ये एक्सप्लोरेशन था. सुमदो में आने के बाद हम एक जगह आए हैं हॉट स्प्रिंग्स ऑफ सुमदो, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था. यहीं पे आगे पता चला ये सतलुज रिवर, और सतलुज रिवर एकदम रुद्र रूप में यहाँ से बहती हुई. हॉट स्प्रिंग स्पा बेनिफिट, ये इनकी लॉबी एरिया, चेंजिंग रूम, छोटा सा वॉशरूम, सल्फर स्पा, हल्का हल्का सा म्यूजिक, और वाह जन्नत. आज की दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है. उसके बाद हम जाएंगे काजा. गुड बाय यूट्यूब, एंजॉय एंड बी इन काम. अमेजिंग फीलिंग, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता इस फीलिंग को. ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड. ये मेरा एक घंटे का स्पा, हॉट वाटर स्प्रिंग स्पा खत्म हो गए. चाहे तो मैं 5 घंटे और बैठ सकता हूँ, बट स्टिल नॉट टाइम टू लीव. गुड बाय स्पा, सुमदो हॉट स्प्रिंग स्पा, लव्ड इट. टाइम चेक इज 9:20, ऑल्टीट्यूड चेक 108.00 meters. जन्नत है ये, जन्नत जन्नत में पधारे एक बार, पधारे हिमाचल में एक बार, और यहाँ की खूबसूरती को नजरें. तो फिलहाल के लिए इसमें इतना ही. अभी नेक्स्ट हम ब्रेकफास्ट करके बाइक में मिलते हैं. आई लव यू यूट्यूब, सी यू यूट्यूब. तो आज 12:12 पे हम अपना नेक्स्ट स्टेज ऑफ दिस राइड स्टार्ट कर रहे हैं. और आज हमारा प्लान है काजा रुकने का. और ये जो आप गाड़ी आगे देख रहे हैं, ये है टाइटेनियम एंडेवर. दिस इज़ ITBP व्हीकल. ITBP को बॉर्डर एरियाज में ऐसी ऐसी गाड़ियाँ मिल रखी हैं. और आज की जकूजी की मैं अगर बात करूँ तो इट वॉज लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, क्योंकि ऐसी वादियों में, ऐसे एरिया में जकूजी करना, ओ माई गॉड, आई डोंट थिंक किसी इस पूरे सर्किट में ऐसे कोई फैसिलिटी होगी जहाँ पे आप जकूजी ले सकते हैं. हॉट वाटर स्प्रिंग्स की जकूजी, इट वॉज ऑसम मैन. तो अभी हम जा रहे हैं काजा. काजा यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पे है. फ़ोन यहाँ पे नहीं चलता है सुमदो में, नेटवर्क के बहुत इश्यूज़ हैं, कनेक्टिविटी इशू बहुत मेजर है यहाँ पे सुमदो में. काजा में भी आई थिंक इंटरनेट अभी नहीं है, बिकॉज रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी OFC केबल बिछ रही हैं, GFC केबल बिछ रही हैं ऑफ जियो एंड एयरटेल. तो आने वाले समय में शायद अगर आप अगले सीजन में आएंगे तब तक यहाँ पे इंटरनेट भी आ जाएगा, बट फिलहाल के लिए देर इज़ नो इंटरनेट एंड देर इज़ वेरी मिनिमल फ़ोन कनेक्टिविटी, वॉइस कनेक्टिविटी ऑल्सो. आगे रास्ते में ग्यू करके एक मॉनेस्ट्री है, जहाँ पे तकरीबन 500 साल पुरानी एक मॉन्क की मम्मी को प्रिजर्व किया हुआ है. स्टोरी उसकी कुछ इस प्रकार है कि तकरीबन 15-20 साल पहले ITBP कुछ एक्सकवेशन कर रही थी, कुछ खुदाई कर रही थी उस ग्यू के एरिया में. तो वो कहीं दबी पड़ी मम्मी मिली, और जिस स्पॉट में मम्मी दबी पड़ी मिली उसी स्पॉट पे वहाँ पे एक मॉनेस्ट्री बना दी गई छोटी सी, जिसमें वो मम्मी को अभी तक प्रिजर्व करके डिस्प्ले में रखा हुआ है. और जिस रोड से अभी हम आए हैं वो इट्स नॉट अ कॉमन रोड. ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड ऑन दैट रोड बिकॉज इट इज अ डिफेंस रोड कनेक्टिंग डायरेक्टली दिस प्लेस टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दैट इज अलॉन्ग विद चाइना, बेसिकली तिब्बत. और तिब्बत भी नहीं बोलते उसको, उसको हम तार बोलते हैं. दैट इज तिब्बत ऑटोनोमस रीजन विच इज अ पार्ट ऑफ चाइना एज ऑफ नाउ.
because 1952 mein China had unfairly illegally captured Tibet. 1952 se Dharamshala mein ek Tibetan government in exile hai aur Tibetan parliament hai, Tibetan prime minister government in exile of Tibet जो कि आजकल धर्मशाला में बैठते हैं और दलाई लामा वहीं पर रहते हैं. आफ्टर दे वर रिमूव्ड फ्रॉम तिब्बत दलाई लामा जी टुक एन एस्केप रूट थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड वाज रिसीव्ड इन अरुणाचल बॉर्डर बाय देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड देन ही वाज सेंड टू धर्मशाला वी एस्टेब्लिश्ड अ गवर्नमेंट इन एक्साइल. मक्लोड इज ऑल्सो नोन एज लिटिल लाशा. वहाँ पे ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन इज ऑफ तिब्बतियंस हु हैव गॉट अ स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज इन इंडिया. तो धर्मशाला इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑल्सो एंड अ स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन. Also, if you want to have some good teachings being given by His Holiness the Dalai Lama, you can visit Dharamshala and go to Makhlodganj. You can even have a chance to personally meet and greet His Holiness in Makhlodganj if he is available and have got some time to spare. अभी हम रास्ते में ग्यू पास करेंगे और हम ताबू पास करेंगे. ताबू is one of the क्या, it is the oldest monastery in India. This is Spiti Valley. And Spiti River. On left side of us is Spiti River. यही आगे जाके सतलुज में मिलती है और एक ऊपर से एक नदी आती है उसका नाम मैं भूल गया हूँ. वो दोनों मिल के Spiti and that river which is coming from China combine and make सतलुज river. This is ग्यू नाला और यहीं पर आई थिंक ग्यू मोनेस्ट्री भी है. This is the monastery. आई थिंक आपको देख लेनी चाहिए. भाई कितनी आगे है ग्यू, कितनी दूर है? 6 किलोमीटर है. और रोड कैसे है? और ताबू कितना दूर है यहाँ से? 1 घंटा लग जाएगा उसमें, है ना? ग्यू, चलो फिर ग्यू देख के आते हैं. तो अभी हम जा रहे हैं ग्यू और जो राइट साइड में आप मेरे जवान फौजी देख रहे हैं वो ITBP के हैं, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस. और सामने एक मनमोहक नज़ारा जिसमें एक पहाड़ है जिसके कई सारे रंग आप देख सकते हैं. तो भी हमने जाना था आज काजा, बट आई थिंक काजा पहुंचने में हमको थोड़ा टाइम लग जाएगा. मेरा प्लान ये था कि काजा पहुंच के अपने होटल में चेक इन करके बाइक का थोड़ा सा मेंटेनेंस कराऊंगा. वहाँ पे काजा में पूरे रूट का एक मात्र रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत बाइक में जो भी कमी पेशी हो पूरी करता और उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रिप एंड टूर मारता. बट आई थिंक वो थोड़ा मैं ट्रिप एंड टूर मारने में मेरे को टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज कल अर्ली मॉर्निंग मुझे 7 बजे के आसपास चंद्रताल निकलना है और आज ही का दिन है जिसमें मेरे को काजा भी घूमना है और वहाँ पे हिमालय कैफ़े है वहाँ पे बैठ के बियर भी पीनी है. और ये टूरिस्ट भाई दिल्ली से आ रखे हैं तो एक बहुत ही मस्त राइड है ये तो 6 किलोमीटर की ग्यू विलेज के लिए. अगर आप इतनी दूर आए हैं और ये छोटी छोटी जगह ना जाएं तो बाद में देर इज़ नो पॉइंट ऑफ रिपेंटिंग कि साला मैं वहाँ पे आया था और वहाँ नहीं गया. तो आए हो तो घूम लो यार. यहाँ पे जितने भी आपको आगे गाड़ियाँ दिखेंगी और ट्रक दिखेंगे फिलहाल वो ITBP के होंगे. सामने से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है वो भी एक ITBP का ट्रक है. ITBP के कलर डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ब्राउन सा कलर है, मेहंदी कलर बोल सकते हो. मेहंदी कलर की जो गाड़ी है ये ITBP की गाड़ी है. सामने एक पहाड़ जिसके मल्टीपल कलर्स हैं, ब्लैक स्ट्रिप्स आप देख रहे हो या फिर वाइट स्ट्रिप्स देख रहे हैं या फिर ऑरेंज स्ट्रिप्स देख रहे हैं या फिर पिंक स्ट्रिप्स देख रहे हैं या फिर ग्रे स्ट्रिप्स देख रहे हैं. कांट मेक आउट कि कलर्स कितने इसमें. वाइट से कुछ पैचेस देख रहे हैं वो सल्फर है जिससे यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स बनते हैं. माउंटेन से सल्फर निकलता है, सल्फर पानी में मिलता है और स्ट्रीम्स बनाता है और वो पानी फिर गर्म हो जाता है और फिर उस पानी को हम डालते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग्स में और उसमें हम स्पा लेते हैं. तो ओ हो आ हा 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 जीवन जीवन का असली मजा तो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में है भाई. अच्छा रोड लग रहा है मेरे को भी ये, मतलब कोई भी चला सकता है इसमें गाड़ी यार, नो एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड. बाइक है चलानी है, बैलेंस करना आता है, उठाओ और आ जाओ. ऐसे कोई महाभारत नहीं है भाई आना की अरे यार ले कैसे जाएंगे, अरे यार अकेले नहीं यार, ओहो नहीं नहीं. जस्ट डोंट थिंक, बस एक बार जो आपने सोच लिया है वही करना है. एक बार जो सोच लिया है उस सोच के बारे में फिर से नहीं सोचना है. जस्ट थिंक एंड डू इट. देयर इज अ ह्यूमन टेंडेंसी टू प्ले सेफ टू बी सेफ. ऑब्वियसली कोई भी इंसान अपने आप की सेफ्टी पहले बार सोचेगा ही सोचेगा चाहे वो कितने कमांडो क्यों ना हो.
तो ठीक है, वो थॉट आपके दिमाग में ज़रूर आएगा, बट यू हैव टू जस्ट ओवरकम दैट थॉट एंड स्टार्ट वट एवर यू डू. इट इज़ जस्ट डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट समथिंग. एक चीज़ को स्टार्ट करना ही दिक्कत है, एक बार वो स्टार्ट हो जाती है तो माई वर्ड्स बस देन इट गोज़ ऑन. जस्ट स्टार्ट इट एंड इट विल डेफिनेटली कम टू एन एंड सम टाइम सम डे. तो स्टार्ट करो, बाइक उठाओ, पेट्रोल डलाओ, बैग टांगो और निकल पड़ो, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और जीने का नाम ही ज़िंदगी है. एंड ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मेरे भाई. मुझे अत्यंत आनंदमय अनुभूति का अनुभव जो हो रहा है उसके बारे में क्या मैं विवरण करूँ आपको. एंड दैट ऑन टॉप इज द ग्यू मोनेस्ट्री, द मॉन्क हु वुड हैव सोल्ड द फरारी बट ही वॉज बॉर्न 500 ईयर्स बैक व्हेन देयर वॉज नो फरारी. तो ग्यू, थैंक यू ग्यू, अ प्रिटी विलेज, छोटा सा कस्बा, और यहाँ पे होम स्टे भी है. गुड, तो यूर planning to come and stay put in Q, यहाँ पे वो option भी है. एक post office भी है यहाँ पे, Mummy Road. Okay, तो this is Mummy Road. इस वक्त Q के बीच में हम, छोटा सा एक गाँव, शर्मीले स्वभाव के लोग यहाँ पे. जन्नत इसे कहते हैं भाई, जन्नत इसे कहते हैं, बट ये जन्नत सिर्फ एक दिन के लिए जन्नत लगती है. झेलना मुश्किल हो जाता है इस टेरेन को, जो यहाँ रहते हैं उनसे पूछना पड़ेगा इसके बारे में. बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर, अत्यंत प्रभाव पड़ा है इसका मेरे जीवन में. एंड मैं बहुत ही करीब अपनी सेल्फ डिस्कवरी के, बिकॉज आई एम द ओनली वन हेयर, आई एम द लोनली वन हेयर. So this is Gyu. That is Gyu Monastery. और यहाँ से हम जाएंगे आगे इस वाली डायरेक्शन में जो कि है ईस्ट. नाक की सीध में हम देखें तो बर्फ से भरे पहाड़, और उसी तरफ तार भी है, बिजली की तार नहीं, तार ऑटोनोमस रीजन विच इज अ पार्ट ऑफ चाइना. थैंक यू, धन्यवाद. दिस वे सुमदो एंड दिस वे ताबू, फर्दर टू काजा.